गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का अपना विषय हिंदी से है, जो मैं आज आपको ई की मात्रा करवाऊंगी। पहले आपने कौन सी की थी? आ की मात्रा। आ की मात्रा क्या थी आपकी? पाई रेखा की, जो सीधी लगती है। देखो ये क्या है आपका? आ। ये क्या है आपकी? आ की मात्रा। तो आज कौन सी करेंगे आप? ई। ई की मात्रा, जो आप कैसे लिखेंगे इस मात्रा को? देखो ये सीधा हाथ हो गया आपका पाई रेखा। अब इसको थोड़ा सा घुमा दो, ये कौन सी मात्रा बनेगी? ई की। तो कौन सी है ये? ई। ई की मात्रा। आपकी बुक में से करेंगे आप, जैसे ये पाई रेखा लगाई आपने, फिर इसको आपने ऊपर से ऐसे सी की तरफ घुमा दिया, फिर प्लस का निशान है आपका कै। ये क्या बन गया आपका? कै की ई। फिर प्लस ले आ, ये कौन सी मात्रा है आपकी? आ की। तो देखो क्या बन गया ये? कै ई ले आ बराबर में इसको पूरा जोड़ के लिखेंगे आप, कै ई ले आ किला। क्या है आपका ये? किला। ये कौन सी मात्रा है आपकी? ई की। और ये कौन सी है आपकी? आ की। ऐसे पहचान करते हुए आपने आगे लिखना है पै पै। हाँ जी, पै की कौन सी मात्रा आएगी? मैंने बताया था ना आपको, पाई रेखा लगाकर सी की तरह लगानी है आपने, सी बनाना है, फिर क्या बन गया ये? ई। पै ई प्लस कै प्लस ने पिन, क्या बन गया ये आपका? बराबर में अब पूरा इकट्ठा लिखेंगे आप जोड़कर इसको, कै ई ने पिन। आपने पहले क्या किया था? टुकड़े बना के लिखा था, तो अपने टुकड़े बना के इनको जोड़ना है आपने, फिर इस तरह से लिखना है पै ई ने पिन। ये शिरोन रेखा लगाकर इनको जोड़ना है आपने। आगे आपका ई प्लस है रे नून। हाँ जी, क्या बन जाएगा आपका वाला? ये हिरन। आगे आपका ये पाई रेखा लगाई, फिर सी बना दिया आपने, ये बन गया आपकी ई की मात्रा प्लस कै कै। हाँ जी, ये कौन सी मात्रा लगा रही हूँ मैं आपकी? आके। साथ में ऐसे भी पहचान करनी है आपने, ये आपकी मात्रा, ये ई की मात्रा है। अब मैं पहले तो आपको कटवे में बता रही हूँ, कै ई ते आ प्लस बे। अब इनको इकट्ठा करके जोड़ेंगे, लिखेंगे कै ई ते आ बे किताब। ठीक है, ये आपकी कौन सी रेखा है? शिरो रेखा। और ये कौन सी आपकी? पाई रेखा। और ये ई की मात्रा है। ऐसे आपने पहचान करते हुए आपने ये की शब्द बोलने हैं और मिलन करने हैं।